खरगोन में रामनवमी जुलूस की हिंसा के बाद शहर में तेज दिनों से कर्फ्यू लगा दिया गया है। समय समय पर ढील दी जा रही है। ईद और परशुराम जयंती को देखते हुए पूरे दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया। परशुराम जयंती और ईद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह बैरिगेड्स लगा दिए गए हैं और 1300 से अधिक बल लगाया गया और ईदगाह और मंदिरों को आज बंद किया गया है। देखिए हिंसा के बाद में शहर में करीब 22 दिनों से अधिक के लंबे समय से कर्फ्यू लगा हुआ है। प्रशासन के द्वारा किसी भी धार्मिक आयोजन को अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही हम बता दें आपको कि आज ईद का त्यौहार है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ईदगाह है, ईदगाह भी सूना पड़ा है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, किसी को भी नमाज की अनुमति नहीं है। साथ ही परशुराम जयंती के होने के कारण आज हिंदू मंदिरों को भी बंद रखा गया है। किसी भी धार्मिक आयोजनों को कहीं से भी कोई अनुमति नहीं दी गई। पूरा पुलिस फोर्स चारों तरफ चाक चौबंद रूप से लगा हुआ है। करीब 1300 से अधिक का फोर्स बुलाया गया है और हर धार्मिक स्थल पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद बनी हुई है। नरेंद्र भटोरे, इंडिया न्यूज़, खरगोन।